डॉक्टर अंशुमान हम आगे चलें, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस बयान के कारण बवाल मचा हुआ, ये कह लें जिस तरह का उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई मानते हैं कि जो लोग मर रहे हैं, लाखों लोगों की जो मौत हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक दवाइयां खा के हुई है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे डॉक्टर अंशुमान और वैद्य आनंद पांडे जी कि यदि आयुर्वेद इतना ही अच्छा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद को मैं खुद मानता हूं, खुद अपनाता हूं, लेकिन जब इतने ही हमें उस पर भरोसा है तो हम क्यों एलोपैथिक की तरफ भागते हैं? कहने का मतलब यह है कि मैं यदि बात करूं कुछ जो बाबा रामदेव हैं हमारे, उनके कुछ मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा क्यों वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। आपको ये भी याद होगा जब अभी बालकृष्ण को एक हार्ट अटैक की बात आई थी, वो एम्स पहुंच गए थे, तो क्यों गए एम्स, क्यों नहीं उन्होंने अपना इलाज उसी आयुर्वेद से कर लिया और क्यों नहीं अपने ही अस्पताल में, अपने ही चिकित्सालय में कर लिया, उन्हें एम्स क्यों जाना पड़ा था? यानी कि वो चाहते हैं कि मैं अपना इलाज तो कहीं अच्छे से अच्छी जगह पे कराऊं, लेकिन जो आम जनता है, देश की भोली भाली जनता है, हम उसको बेवकूफ बनाएं, उससे पैसे ऐंठें और हम अपने महल खड़े करते जाएं। डॉक्टर अंशुमान, ये वीडियो है और मैं समझता हूं इस वीडियो को आपने भी देखा होगा। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्क्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। जी डॉक्टर अंशुमान, तो फेवी फ्लू भी नहीं उनसे बोला जा रहा था, वो फेविकॉल बोलना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो ये कह रहे हैं, इससे आप कितना इत्तफाक रखते हैं? क्या इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जितनी भी ये दवाइयों के नाम लिए गए वो कहीं ना कहीं फेल होते गए और बाद में उनको बंद कर दिया गया? तो क्या यही एक कारण है बाबा रामदेव को एलोपैथी का मजाक उड़ाने को मिल जाता है, या यही एक कारण है कि एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराते हैं लाखों लोगों की मौत के लिए? जी रविंद्र जी, इसको मैं सेगमेंट वाइज पहले डिवाइड कर दूं कि जी, जो आपने सवाल पूछा कि एलोपैथ में दवाइयां आती हैं फेल हो जाती हैं, क्या यही एक मौका देता है दूसरा आयुर्वेद? और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि इस शख्स को बाबा की उपाधि देके मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बुलाऊंगा। कारण यह है कि हम बाबा उसको मानते हैं, या तो पिताजी के पिताजी हुए या उस दर्जे के जिनके लिए इज्जत की भावना उद्गार निकले, मन अंतर मन से उद्गार निकले तब। तो इस रामदेव को जो एक व्यापारी है, व्यापार करे, मेरा कोई ऑब्जेक्शन ना मैं व्यापारी हूं ना मुझे व्यापार का ज्ञान है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस चीज पे टिप्पणी कर रहा है, मैं तो इसके ऊपर डिबेट करना भी उचित इसलिए नहीं समझ रहा हूं कि ये इंटाइटल्ड ही नहीं है, ये डिजर्व नहीं करता जिस पे क्वालिफाइड डॉक्टर बैठ के इसकी बातों पे डिबेट करें। कारण ये है कि इसकी क्वालिफिकेशन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट ये मालूम है कि इसने जो MBBS या आयुर्वेद BAMS के कोर्स करने के लिए जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम हिंदुस्तान में, वो पूरी तरह प्लान्ड है एग्जाम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत एग्जाम कंडक्ट होता है, उसको भी क्वालिफाई नहीं किया है। मतलब बेसिक MBBS के डॉक्टर, बेसिक आयुर्वेद के डॉक्टर जिनको BAMS कहते हैं, उनके सामने भी बात करने के काबिल नहीं है, तो इसका स्टैंडर्ड नहीं है उसमें। उदाहरण के तौर पे दूसरी बात बोलता हूं, जो अपने को इसने योग गुरु करके भी किया, आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब ये उठ के वहां से भागा था और सलवार सूट पहन के भागा था गिरफ्तारी के डर से, और अपने को योग गुरु कहता है। योग की परिभाषा समझिए, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने हमें पता नहीं कितने हजारों साल पहले दिया था, और उसके सूत्र दूसरे सूत्र में ही उन्होंने कहा था, उनसे जब पूछा शिष्यों ने कि गुरु जी योग क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने कहा था योग चित्त वृत्ति निरोध
चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। तो अगर ये रामदेव योगी था तो इसको इसकी वृत्तियां तो चित्त की वृत्तियां तो भटक रही थी, इसको भागने की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस से डर नहीं होना चाहिए था, और इसको वहां से सलवार सूट जिसको कहते हैं कि वेशभूषा बदल के एक लुटेरे की तरह भागना ये नहीं करना पड़ता। योगी को क्या फर्क पड़ता है, उसकी चित्त की वृत्तियां रुकी हुई है, उसने कोई पाप किया नहीं, गलत काम किया नहीं है, तो भागने की जरूरत नहीं है। पुलिस आएगी भी, गिरफ्तार भी करेगी, तो साबित हो जाएगा कि बिल्कुल गलत। ये पिक्चर मुझे लगता नहीं ये वही पिक्चर है जब ये भाग के गए थे और बीमार पड़ गए थे, जब इनकी अपनी शक्ति छीण हो गई थी। जी हो सकता है, देखिए आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपके पास तो सारी खबरें रहती हैं, मैंने भी उसी में पढ़ा था, क्योंकि मुझे इनकी जानकारी नहीं है क्या करते हैं। तो जहां बात हो गई व्यापार की, डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि एलोपैथ की दवाइयां फेल। देखिए एलोपैथ साइंस की एक बड़ी अच्छी बात है, किसी चीज को करने और कहने के लिए हमें एविडेंस चाहिए होता है, ट्रायल चाहिए होता है, नहीं तो एलोपैथ या मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा क्रिटिक्स एलोपैथ का डॉक्टर ही होता है। इसीलिए हम उसको ट्रायल बोलते हैं, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में किसी बीमारी को इलाज करने के लिए अगर थ्योरी कोई आती है तो उसमें पहले एनिमल ट्रायल किया जाता है, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल से पास होता है, और हर समय एथिकल कमेटी उसके पीछे लगी रहती है, इंडिया की एजेंसी लगी रहती है, ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और साथ में पीयर रिव्यू, मतलब साथ में काम करने वाले डॉक्टर उसको बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से इवेल्युएट करते रहते हैं कि इसमें कोई बायस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी चीज को ये फैब्रिकेट करके दिखा रहे हैं। और जब फेज 3 ट्रायल पास होकर दवाई बाहर निकलती है तब पब्लिक यूज में आती है, लेकिन एक्चुअल इसका पता चलता है पब्लिक यूज में आने के बाद। जैसे ही पता चलता है पब्लिक इस्तेमाल में आने के बाद कि इसमें कमी है या जो दावा किया जा रहा है वो सत्य नहीं है, इसको हटा दिया जाता है। मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है, और दूसरा ईगोलेस साइंस है, मतलब ये नहीं कि हमने कहा और वो दवा ना कारगर है लेकिन हम अडिग रहेंगे और उसको चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है, खारिज कर दिया जाता है, और एलोपैथ के डॉक्टर ही सवाल उठाते हैं। तीसरी बात, इसके बाद मैं आगे के पैनलिस्ट को सुनना चाहूंगा, जो आपने बात कही आयुर्वेद, ये आयुर्वेद का चिकित्सक भी नहीं है न बनने के काबिल है, क्योंकि इसने नीट जैसी परीक्षा इसकी उम्र में जब होती होगी, ये कम से मेरे ही उम्र के आसपास होगा, तो उसमें ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता था जिसके थ्रू क्वालिफाई करके बच्चे MBBS या BAMS में एडमिशन लेते थे, तो ये आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और वैद्य हमारे साथ क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट इतने सालों के एक्सपीरियंस, अनंत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा बताएंगे, तो उस पे भी कोई टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व ये नहीं कर रहा, आयुर्वेद एक एस्टेब्लिश साइंस है, पैरेलल टू एलोपैथ साइंस है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, विधाएं अलग हो सकती है, मतलब मार्ग अलग हो सकता है आयुर्वेद का, एलोपैथ का, होम्योपैथ का, लेकिन मंजिल हमारी एक है कि मरीज का जन कल्याण कैसे पहुंच सकता है। और डॉक्टर होने के नाते मैं हिंदुस्तान के सभी डॉक्टरों को एक कम्युनिटी का डॉक्टर मानता हूं, और ऊपर से मॉडर्न मेडिसिन का फादर कहा गया हिपोक्रेट को, जो ग्रीक ओरिजिन के हैं, लेकिन मैं अपने को धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत का वंशज मानता हूं, ना कि हिपोक्रेट का वंशज मानता हूं। कारण यह है उस समय मॉडर्न मेडिसिन नहीं था, तब महर्षि धन्वंतरी, चरक साहब, सुश्रुत साहब ने जो चीजें लिख दी थी आज भी वो अक्षरशः सत्य है, तो मैं उन्हीं का वंशज अपने को मान के ज्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान आयुर्वेद का हिंदुस्तान है। विधाएं हम कुछ भी प्रैक्टिस करें, जन कल्याण ही मेन उद्देश्य है। इसलिए ये जो पब्लिक सुन रही है ये निकाल दें कि रामदेव आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व है, ये आयुर्वेद की दवा भी करता है, योग आपको बता दिया, योग के परिभाषा के हिसाब से योगी नहीं है, व्यापारी है, व्यापार करे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं जी। मंजिल जो है वो एक ही है, राहें बेशक अलग अलग हों, सबको पहुंचना एक ही जगह पे है।